मानकापुर पुलिस स्टेशन द्वारा चोरी और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले दो शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। पहला आरोपी प्रज्वल उर्फ पज्जू विशाल शेंडे, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, तो वहीं दूसरा आरोपी शाहनवाज खान उर्फ सोनिया वल्द शहजाद खान, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। यह दोनों ही आरोपी जरीपटका क्षेत्र के बाराखोली परिसर में किराए से रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों के 3 गुनाहों का पर्दाफाश मानकापुर पुलिस द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं री इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। अभी हम नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन में मौजूद है और कल ही मानकापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मंडवधरे मैडम ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। आइए हम जानते हैं मैडम से कि किस प्रकार से उन दोनों आरोपियों पर कार्यवाही की गई और उनके खिलाफ कौन कौन से पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज है। मैडम, आपका री इंडिया न्यूज में स्वागत है और हमें बताइए कि आपने किस तरह से उन दोनों आरोपियों पर कार्यवाही की। अभी आने वाले जो त्यौहार है गणेश उत्सव मुहर्रम, इसके उपलक्ष में माननीय सीपी सर इनके आदेश से संपूर्ण नागपुर शहर में, पूरे नागपुर शहर के अंदर जितने भी रिकॉर्डेड आरोपी है और जेल से रिलीज हुए आरोपी हैं, इनकी मुहिम चल रही थी, इनको चेकिंग और उनके ऊपर प्रिवेंटिव। तो इस कार्रवाई के दौरान हमारा जो डीबी पतक है वो भी इस कार्रवाई में था। उसी दौरान उनको एक एक्टिवा जो सस्पेक्टेड, उसमें दो लोग मिले और उनकी जो हलचल थी थोड़ी सी सस्पेक्टेड डाउटफुल लगी, तो उन्होंने उनको चेक किया। चेक करने के बाद उनके पास से दो मोबाइल, एक चाकू मिला और उनको थाने में लाने के बाद, उसका नाम वगैरह पता करने के बाद, उसका नाम प्रज्वल उर्फ पज्जा शेंडे, ये बाराखोली में रहता है, इसके एज 23 ईयर का है ये, और 2017 से 16 से क्राइम कर रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा रिकॉर्ड है गुनों का। और दूसरा जो था शाहनवाज खान, तो ये दोनों आरोपी को पूछताछ करने के बाद पता चला कि इन्होंने हमारे एरिया में एक मोबाइल चोरा है घर के अंदर से, और दो क्राइम जो है गिट्टी गजान के एरिया में किए हैं। ऐसे टोटल हमारे यहाँ पे रहने के बाद उन्होंने 3 गुने की कबूली दी है। तो अभी तक इनके पास से पुलिस स्टेशन मानकापुर वाला एक 195 मतलब 195/22 और गिट्टी खदान के 2 463/464 ऐसे 2 गुने डिटेक्ट हुए हैं इनसे। ये दोनों ही आरोपी हमेशा साथ में रहते हैं या अलग अलग जगह पर जाकर ये क्राइम करते हैं? अभी तो साथ में मिले हैं। इसके पहले का जो दूसरा आरोपी है शाहनवाज खान, उसका कोई रिकॉर्ड साथ में वाला नहीं है इन दोनों का। और इसके ऊपर 2016 से अभी तक के 14 या उससे भी ज़्यादा 15 वगैरह क्राइम हो गए इनके ऊपर, प्रज्वल शेंडे के ऊपर। और ये अभी तक 26/7 तक ये जेल में ही था, अभी जेल से रिलीज हुआ है और फिर से उसने क्राइम करना चालू कर दिया था। मैडम, हमें ये बताइए कि ये दोनों जब आरोपी आपने जब पकड़े, उन्हें शक के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया, तब क्या वो क्राइम करने ही कहीं जा रहे थे और कल उन्होंने किसके ऊपर उन्होंने हमला किया घर में घुसकर? इन्होंने गिट्टी गदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सेमिनरी हिल एरिया में शोएब करके एक फिरियादी है, उनके ऊपर छीनने की, उनके बैग छीनने की, पैसे छीनने की कोशिश की, मोबाइल छीना और उनके ऊपर अटैक किया है चाकू से, तो उसमें गंभीर रूप से वो जख्मी भी हुई है। ये एक वो क्राइम और एक दूसरा वाला गिट्टी गदान के एरिया में 2 क्राइम किए और मानकापुर के एरिया में 1 क्राइम किया है। इनके पास से अभी तक का 34,520 रुपये का टोटल मुद्देमाल, एक एक्टिवा गाड़ी, एक चाकू और 2 मोबाइल, इस तरीके का मुद्देमाल जब्त है। और आरोपी PCR में थे, अभी तक आज तक आरोपी PCR में थे। री इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।